जो चाम से बना है वो चमार है, जो मांस से बना वो चमार है, जिसके शरीर में हड्डियां अस्थि हैं वो चमार है, जिसकी रगों में रक्त दौड़ता है, खून दौड़ता है, वो चमार है। जब मैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जाता हूँ वहाँ के लोग मुझे महार कहते हैं, जब छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा जाता हूँ तो मुझे सत्यनाम कहते हैं, मुझे रविदासिया कहते हैं, मुझे रैगर कहते हैं, मुझे कोहली कहते हैं, जब यूपी की धरती पर मुझे जाटव कहते हैं। अरे हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू में क्या है, हिंदू क्या चाहता है? हिंदू चाहता है ढोल पशु गवार शूद्र नारी ये सब तारण के अधिकारी। क्या आप चाहेंगे ऐसा हो? कृष्ण की 16,108 रानी थी, कृष्ण का शौक था गरीब की बहन बेटियों के कपड़े उठाना, पेड़ पे चढ़ जाना। आसाराम जी ने कहा भाई ऐसे आदमी को तुमने भगवान बढ़ा दिया, मैंने जो शुरुआत की थी मुझे जेल में ठोक दिया। तो राजा का बेटा राजा बनता था, बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया और राजा मत पेटी से निकाला। वोट के अधिकार के लिए मेहनत बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, तो वोट डाल करके हम लोग क्या अपना राजा नहीं बढ़ा सकते? हनुमान जी आ जाते हैं, फिर आता है बुधवार, बाल्टी वही, आदमी वही और धुआं वही, मूर्ति नहीं, बुद्ध देवता, बृहस्पति को बृहस्पति देवता, शुक्र को शेरावाली। तो इस तरह से चंद चालाक लोग देवी देवताओं के नाम पर जैसे लूट रहे हैं, इसी तरह से समाज में भी कुछ गद्दार लोग हैं, जिन लोगों ने चंदा लेकर के, जिन लोग जो लोग चंदा करने की मशीन बन के समाज के पास जाते हैं और समाज से कहते हैं भाई हम राज सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग एकजुटता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि असली लड़ाई तो हमारी यही है भाई सत्ता प्राप्त करना। मान्यवर कांशीराम साहब से बड़ी इस देश के अंदर किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर कोई हमारे लिए किसी ने लड़ा, किसी ने संघर्ष किया, आज जो क्रांति आ रही है, आज जो बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी है, कोई भी दल हम बनाने में अगर सक्षम हुए हैं, आज हम लोग मजबूती से खड़े हैं, तो सारा का सारा श्रेय मान्यवर साहब श्री कांशीराम को जाता है। क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा इस देश के अंदर हम ऐसा काम कर देंगे कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं बचेगी जो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नहीं लगाएगी। तो अपने पंपलेटों में बाबा साहब को जो सम्मान देते हैं वो सारा का सारा श्रेय मान्यवर कांशीराम साहब को जाता है। मेरा जी जो दुश्मनी पार्टी है दलितों की जी, जो मनुवादी पार्टी कही जाती है, वो भी बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रही है जी, लेकिन रविदासियों ने जो है बाबा साहब को दरकिनार कर दिया कार्यक्रम में। आज कुछ चंद लोगों के दिमाग की कमी के कारण है, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर को बात जब चमार पे आती है तो मैं चमार हूँ, जब मैं हरियाणा पंजाब में होता हूँ तो लोग मुझे चमार कहते हैं, जब मैं राजस्थान चला जाता हूँ, मैं देश के कोने कोने में जाता हूँ बाबा साहब के आशीर्वाद से, जब मैं राजस्थान जाता हूँ वहाँ के लोग मुझे मेघवाल कहते हैं, जब मैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जाता हूँ वहाँ के लोग मुझे महार कहते हैं, जब छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा जाता हूँ तो मुझे सत्यनाम कहते हैं, मुझे रविदासिया कहते हैं, मुझे रैगर कहते हैं, मुझे कोहली कहते हैं, जब यूपी की धरती पर मुझे जाटव कहते हैं। अरे इन लोगों ने ठप्पा लगा दिया, जैसे एक फिल्म आई थी बहुत बढ़िया पीके, आमिर खान जी ने कहा भाई ठप्पा दिखा, तो ठप्पा हमारे ऊपर लगा दिया। तो इस तरह का ठप्पा ये लोग हमारे ऊपर लगाने का काम करते हैं। मैं अपने लोगों की देखो मूर्खता मानता हूँ कि इस तरह से समाज का बंटवारा ना करें प्लीज, क्योंकि ठप्पा बता रहे हैं जी, लेकिन देखा जाए जो रविदासियों बाबा साहब को नहीं मानते, कोई नई बात थोड़ा ही है वो इस बात को मानते भाई, देखो वो अंधविश्वास का विरोध करते हैं पाखंडवाद का, लेकिन रविदासी तो मानते हैं चीज को, वो उनकी अपनी सोच है। क्योंकि गुरु महाराज को मैंने ज्यादा नहीं, मतलब गुरु महाराज को तो सिर्फ एक ही चौपाई पढ़ ले आप, गुरु महाराज ने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कौन, बड़ छोट सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो इस तरह से समय समय पर छल होता है, समय समय पर होता है। मेरा जी जो चमार शब्द है इसको लेकर गाली भी दी जाती है देश में, और आज का अधिवेशन हो रहा है इस नाम पर, कितना ये पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव मानते हैं। सुनो मेरी बात, देखो शब्दों का उच्चारण कीजिए। गुरु महाराज का एक बार किसी ने मजाक उड़ा दिया ऐ चमार, गुरु महाराज ने सुंदर सा जवाब दिया, जैसे चाम वैसे मांस, ऐसे अस्थि वैसे रक्त, जो चाम से बना है वो चमार है, जो मांस से बना वो चमार है, जिसके शरीर में हड्डियां अस्थि हैं वो चमार है, जिसकी रगों में रक्त दौड़ता है, खून दौड़ता है, वो चमार है। मुझे बताओ इस दुनिया में चमार कौन नहीं है? लेकिन नाम के साथ में चमार नहीं लिख रहे लोग देश में आज भी? नहीं लिख रहे भाई, देशराज खंडवाल जी है, उत्तराखंड में विधायक रहे, उन्होंने प्रस्ताव पारित कराया और अपने आप आगे चमार लगवा। दिल्ली के मयूर बिहार में एक मोची ने वर्मा लगा लिया नाम के साथ में, उसको वकील ने धमकाया, बोला कि चमार लिखिए आप। अरे ऐसे तो मैं बताऊं, ऐसे तो बहुत मूर्ख लोग हैं जो हमारे लोगों के गोत्र मिलते हैं, तकरीबन हमारे जाट समाज हमारा भाई है, जाट समाज से हमारा गोत्र मिलता है। कुछ मूर्ख लोग हमारे जाति छुपाने के लिए जो साधन संपन्न हो जाते हैं, जिनके पास दो रोटी अच्छी मिल जाती है, मिलती बाबा साहब के नाम से है, सेक्टरों में कोठी बन जाती है, जागरण माता रानी का कराते हैं, बालाजी का भोग लगाते हैं और कावड़ जो है शंकर भगवान के लाते हैं, ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जिन जो मिला बाबा साहब की वजह से मिला, तो बाबा साहब का नाम लेने की बजाय वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो लोग पाखंडी लोगों को बुलाते हैं। आजकल बहुत गाने जा रहे हैं गाँव में कि धाकड़ चमार डेंजर चमार जैसे गाने भी आ रहे हैं आजकल, आप भी बहुत गाते हैं?
अरे भाई ये तो देखो युवाओं का अपना सिस्टम है, बच्चे देखो इससे हौसला बनता, तो क्या दिक्कत, ब्रांड बन गया, क्या दिक्कत भाई, जब जाटों के गाने निकल सकते हैं, पंजाबियों के गाने निकल सकते हैं, तो क्या चमार के नहीं लग सकते? काशीराम जी के मिशन का क्या होगा? अरे भाई मिशन तो चल ही रहा है, 85% आप चिंता ना करिए, समाज बट रहा है सर, आप चिंता ना करिए, वो समय आएगा, मैं कर रहा हूँ, हम सबको एक मंच पर आना होगा, रे मेरे भीम का संविधान बचाना होगा, आएगा, चिंता ना करो, चलो वो हो गया। अच्छा मंजीत जी, आप लोग गायक है सर, आप प्रसिद्ध गायक है, दलितों के, महापुरुषों के और बहुजनों के, चमार को पर कितने गाने गाए सर आपने अभी तक? भाई मैंने चमार पे एक ही सॉन्ग किया है, ठीक है, और मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, मैं 85% को लेकर चलता हूँ, ये भी किसी साथी ने कराया था, वो गाने के बोल थे, हाँ, हमसा पूत चमारा के वो था यार, चलो मुझे याद आएगा तो मैं बता, कोई बात नहीं, वो भी किसी साथियों ने कराया था, आपने चमार के नाम पे गाना गाया, बोर्ड लगा रहे लोग बाग, धाकड़ चमार और मजबूत चमार, लेकिन जब कोई दूसरी जाति का लोग कोई आपको चमार कहकर बोल देता है तो आपको फिर आप FIR दर्ज कर देते हो, इसी काम का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। अब चमार क्या है, देखो चमार कोई कमजोर कोम नहीं है, चमार बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम है, रेजिमेंट भी थी, हाँ रेजिमेंट थी हमारी, तो चमार लड़ता कौन है, चमार फायदा कौन उठाता, दूसरे साथी, तो इसका जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं इसी बात को तो फायदा उठाते हैं, उन लोगों ने देख लिया भाई चमार जो कौम है ये सामने आ गई, बिल्कुल सामने आ गई, ये तो बिल्कुल टारगेट कर लिया, और टारगेट करने के बाद जिसे SC कम्युनिटी में जितनी जातियां आती हैं उन जातियों को वो लोग बढ़ावा देने का काम करते हैं, भाई मंत्री उनको बनाओ, भाई मंत्री उनको बनाओ, आप सेक्टर जो ना उनको कंसेशन उनको देने का काम करते हैं, तो चमार को हमेशा पिछड़ा, ये हमारे लोगों की कमजोरी के कारण चमार को आज इग्नोर किया जा रहा है, और वो लोग सोचते हैं भाई चमार अगर मजबूत हो गया तो चमार सब लोगों को अपने साथ जोड़ लेगा, इसीलिए वो मनवादी जो लोग हैं चमार को इग्नोर करते हैं। गुजरात तो विकास मॉडल कहा जाता है, वहाँ ऐसी है जो चमार रोहित है वहाँ पर, उनको मुंह सकने की आजादी नहीं है कहीं कहीं पर, और वो जो है घोड़ी पर भी नहीं चढ़ सकते, घुड़चढ़ी नहीं होती आपके हरियाणा में भी चमारों की। अरे काहे का रोयल मॉडल भाई, मैं गुजरात गया था, ये अमित शाह जो है, ये अपने क्या नरेंद्र मोदी जी है, इसका सबको पता चल गया, पर्दाफाश हो गया, ये कैसा कैसे कैसे व्यक्तित्व का धनी है, ये वहाँ का गुजरात का बनिया है, और इन्होंने जो है झूठ बोलने में बड़ा माहिर है, इन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, किस किस के खाते में आए भाई, आए किसी के खाते में 15 लाख, आए दिन कहते हैं करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसी को रोजगार दिया इन लोगों ने, ये वहाँ इनका थानों के अंदर इनका रजिस्टर में नाम रिकॉर्ड है, तड़ी पार किसे बोलते हैं, सब खत्म हो गए मुकदमे से, बताओ नहीं, जो बीजेपी का दामन थाम ले वो तड़ी पार नहीं होता, जो 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 रेपिस्ट लोग हैं आज, वो हमारी एक बहन थी हाथरथ के अंदर, उस बिटिया को न्याय नहीं मिला क्योंकि इन लोगों ने खरीद लिया कानून को, इन लोगों ने कानून को खरीद लिया, इन लोगों ने मीडिया को खरीद लिया, मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का, कम से कम समाज के लोगों की आप लोग बात तो उठाते हैं, सर हिंदू राष्ट्र बन रहा है, सर हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्या कहना है, हिंदू राष्ट्र अगर बन गया ना, ये हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू में क्या है, हिंदू क्या चाहता है, हिंदू चाहता है ढोल पशु गवार शुद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, क्या आप चाहेंगे ऐसा हो, इस देश के अंदर दो संविधान बने, एक संविधान मनु ने लिखा, मनु ने बड़ी चतुराई से हमें जातियों में बांट दिया, हमें गोत्रों में बांट दिया, और ये जातियां बनी नहीं थी, इंसान पैदा हुआ था, लेकिन चंद चालाक लोगों ने, अगर मैं ज्यादा बताने लगूं बड़ा समय लग जाए, हमारे वृद्धरथ का कत्ल करके राजा वृद्धरथ को मारा, झूठ मूठ का वाल्मीकि बना के घाघरा नदी के किनारे बैठ करके वहां पे झूठ मूठ की रामायण लिखी गई, जबकि इस देश में राम पैदा नहीं हुआ और इन लोगों ने पैदा कर दिया, और हम लोग हमारे जो भगवान पैदा हुआ, हम उस भगवान जो हमारा जिसने हमारा मान सम्मान दिया, हम उसका सम्मान नहीं कर सकते। आखिरी सवाल आपसे, बाबा पैदा हो गए बहुत सारे, एक लंबाई बढ़ाता है बाबा, करौली बाबा कानपुर का, अरे भाई इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, मैं तो कहता हूँ अभी देखो जितने बाबा हुए, रामदेव हुआ भाई, आसाराम जी हुआ भाई, सारे संविधान की बदौलत है वो सब अंदर गए, एक ने जज साहब से कहा आसाराम जी ने भाई जो है ना कृष्ण की 16108 रानी थी, ये मैं नहीं कहता, ये उनके शास्त्रों में लिखा, नहीं मैं भावना नहीं पढ़ कर, देखो जो उन लोगों का लिखा हुआ वही तो पढ़ के बता रहे हैं हम लोग, भाई हमने रासलीलाओं में देखा भाई कृष्ण की 16108 रानी थी, कृष्ण का शौक था गरीब की बहन बेटियों के कपड़े उठाना, पेड़ पे चढ़ जाना, आसाराम जी ने कहा भाई ऐसे आदमी को तुमने भगवान बढ़ा दिया, मैंने जो शुरुआत की थी मुझे जेल में ठोक दिया, तो जज साहब ने कहा कि भाई उस समय मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं था, अगर संविधान लागू होता तो कृष्ण को भी जेल में ठोकते, ये संविधान की ताकत है। मैं दो सवाल पूछता हूँ, ये बताइए भगवान बड़ा है या राजा बड़ा है,
अब लोग कहेंगे भगवान बड़ा है जिसने हमें पैदा किया, अब लक्ष्मी बड़ी है या भगवान बड़ा है, लोग कहेंगे लक्ष्मी बड़ी जिससे सब कुछ खरीदा जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा समाज के लोगों को कि भगवान बड़ा नहीं है। अरे सुन तो लीजिए पहले, भगवान बड़ा नहीं है। भगवान कैसे नहीं है? जो कोरोना आई इस देश के अंदर कोरोना आया, और कोरोना कहाँ से आया? चाइना से आया। गरीब लोग तो जहाज में नहीं बैठ सकते, बड़ी मुश्किल से। अब 14 तारीख के लिए मेरी फ्लाइट कराई लोगों ने, बड़ी मुश्किल से कराई है। मैं जानता हूँ, मेरे समाज के लोग जानते हैं, तो हम लोग तो नहीं बैठ सकते थे। लेकिन कोरोना कहाँ से आया? चाइना से। कैसे आया? जहाज में बैठ के आया। और जैसे इंडिया के अंदर राजा ने ऑर्डर कर दिया सारे भगवानों के किवाड़ बंद, सब भगवान बंद अंदर रोक दिए, क्या किसी भगवान की हिम्मत हुई कि बाहर निकल के संकट काट दे? फिर दूसरा कौन बड़ा? राजा बड़ा। अब लक्ष्मी बड़ी, कहते हैं लक्ष्मी बड़ी, अब यहाँ भी लक्ष्मी बड़ी नहीं है। राजा ने रात को 12 बजे आदेश कर दिया, भाई पुरानी लक्ष्मी बंद, सब बंद हो गया। जितनी जनानियों के पास छुपा पैसा बैठा था वो सब निकाल के लाई। अजी सुनते हो, मेरे 500 ये पड़े, 10 नोट, मेरे 1000 के नोट पड़े, सब बदलवा लियो। तो इस तरह से कौन बड़ा? राजा बड़ा। अब शर्म की बात ये है, जब राजा बड़ा है, राजा किस से मनता है? राजा पहले रानी के पेट से पैदा होता था। रानी के पेट से पैदा चाहे अपंग हो, चाहे पोलियो से हो, चाहे अंधा हो, जैसे धृतराष्ट्र को बनाया गया, तो राजा का बेटा राजा बनता था। बाबा साहब अंबेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया और राजा मत पेटी से निकाला। तो शर्म की बात तो ये है, जब वोट का अधिकार दिलाने वाला हमारा है, वोट का अधिकार दिया हमने है, वोट के अधिकार के लिए मेहनत बाबा साहब अंबेडकर ने की है, तो वोट डाल करके हम लोग क्या अपना राजा नहीं बना सकते? तो पहले हमें राजा अपना बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग मजबूत होंगे।